समय कभी रुकता नहीं, वो वर्तमान के सुलझे अनसुलझे रहस्यों को बीते काल की गर्द में समेटता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता है, किंतु कुछ अनसुलझे रहस्यों की गाथाएं समय के काल चक्र को पीछे धकेल हर युग में अपना एक नया वर्तमान निर्धारित कर लेती है। वो गाथाएं कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि वो समय की गर्द से अपने आप को और भी चमकीला कर लेती हैं। उन्हीं गाथाओं की सिरमौर है विक्रम और बेताल की ये रहस्य गाथा, जिसका नायक था उज्जैनी का महान शासक, अपनी धीरता वीरता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। शीघ्रता करो, आ गया सारा अनाज? जी आ गया। रात ही रात में पूरे राज्य का अनाज शून्य कर दिया। मुझे तो अभी भी भय लग रहा है, यदि विक्रमादित्य को पता चल गया तो। बढ़ता जा रहा है, इधर अकाल बढ़ेगा उधर हमारा अनाज सोने के भाव बिकेगा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, बस एक बार उज्जैनी की सीमा पार कर जाएं। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। चोर और अपराधी ना तो उज्जैनी में आ सकते हैं और न यहां से वापस जा सकते हैं। दूर करो इस उज्जैनी की बाधा को। शावक सिंह से कपोत बाज से और चोर सम्राट से उसका परिचय नहीं पूछा करते। सम्राट, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम जैसे स्वार्थी लोग भूख का व्यापार करने से भी नहीं चूकते हैं। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। क्षमा और तुम लोगों को, यदि ये अनाज यहां से चला जाता तो इस अकाल में हमारी प्रजा तिल तिल कर अपने प्राण त्याग देती। तुमने हम पर नहीं हमारी प्रजा के जीवन पर डाका डाला है। क्षमा कर दीजिए। विराट सेन, ले जाइए इन्हें और डाल दीजिए कारागार में, और भूख लगने पर भोजन प्यास लगने पर पानी केवल दिखाइएगा, दीजिएगा मत। ले जाओ इन्हें महाराज, क्षमा कर दीजिए हमें।
इतना कठोर दंड मत दीजिए महाराज। महाराज क्षमा कर दीजिए। क्षमा? यदि बुरे लोगों को क्षमा किया तो ये भले लोगों के साथ अन्याय होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यही है विक्रमादित्य का न्याय। नहीं महाराज। जय महाकाल। प्रजापालक, न्यायकर्ता उज्जैनी नरेश, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य पधार रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय। 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 जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। सेनापति विराट सिंह, दृष्टि रखिए ऐसे लालची साहूकारों पर जो देश हित और प्रजा हित को भूलकर केवल अपने स्वार्थ सिद्धि और लाभ प्राप्ति के लिए अनाज का संचय करते हैं। अवश्य महाराज। आचार्य वराहमिहिर, कोई मार्ग मिला आपको इस अकाल को समाप्त करने का? महाराज, हमने ज्योतिष और ऋतु विज्ञान सभी की समस्त गणनाएं की। आचार्य, हमें गणना नहीं, निष्कर्ष चाहिए। महाराज, सहस्त्रावधि का ये अकाल सबसे घोर अकाल होगा और ये अकाल केवल एक या दो वर्ष के लिए नहीं परंतु पूरे 50 वर्ष के लिए रहेगा। 50 वर्षों तक? इतने भयंकर अकाल का कारण क्या है आचार्य? यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य। महाराज, ये हमारा सौर मंडल है। सभी ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी धुरी पर चल रहे हैं, परंतु ये देखिए महाराज, ये रोहिणी और पुष्यक नक्षत्र, इनकी चाल थोड़ी सी वक्री हो गई, इसके कारण ये एक दूसरे के दूर जा रहे हैं और यही अकाल का कारण है महाराज। आचार्य, इस अकाल का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है? महाराज, अपनी ज्योतिष गणना से मैं आपको इसका आभास करवा सकता हूं। अवश्य। पचास वर्ष के बाद कुछ नहीं बचेगा महाराज, न धरती, न आकाश, न जल, न वायु, न पशु, न पक्षी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आचार्य, यदि आप इस समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं तो इस समस्या का कोई समाधान भी अवश्य ही होगा। इस अकाल को रोकने का कोई मार्ग बताइए आचार्य। महाराज, इस अकाल को रोकने का केवल एक ही मार्ग है। कल दूसरे पहर के मध्यकाल में रोहिणी और पुष्यक नक्षत्र दोनों एक दूसरे के समानांतर होके गुजरेंगे। यदि कोई उसी समय उन दोनों नक्षत्रों को एक साथ भेद दे तो महाराज, ये अकाल समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार उन नक्षत्रों को भेदा जा सकता है आचार्य, बताइए आचार्य। यही है उपाय महाराज, नक्षत्र भेदक यंत्र। देवासुर संग्राम में देवताओं ने इसे असुरों पर चलाया था। अब केवल इस नक्षत्र भेदक यंत्र के द्वारा उन दोनों नक्षत्रों को एक साथ भेदा जा सकता है। किंतु महाराज। किंतु क्या आचार्य? किंतु महाराज, ये यंत्र केवल देवता ही चला सकते हैं। आपके शास्त्रों में लिखा है ना आचार्य कि देवताओं को शक्ति हमारे यज्ञ की संविधा से मिलती है, अर्थात उनका अस्तित्व तो हमसे है, हमारा उनसे नहीं। यदि हम देवताओं को शक्ति दे सकते हैं तो उनका यंत्र क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि देवता अमर है महाराज और मनुष्य मरणशील, और इस यंत्र को चलाने का केवल एक ही अर्थ है महाराज, मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु।
मृत्यु तब आएगी आचार्य जब हम इस यंत्र को नहीं चलाएंगे। इस अकाल में सब मारे जाएंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे आचार्य। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हम इस नक्षत्र वेधक यंत्र को अवश्य चलाएंगे। महाराज हम आपसे विनती करते हैं इस यंत्र को चलाकर अपने जीवन के लिए संकट ना ले महाराज। विराट सेन चक्रवर्ती हैं हम, जीवन में कभी हार नहीं मानी हमने, तो इस अकाल से कैसे हार मान लें? चाहे कुछ भी हो जाए इस अकाल को अपनी धरती पर पांव नहीं रखने देंगे हम। नक्षत्र भेदन की तैयारी, भेदन की तैयारी, भेदन की तैयारी। रूठी हुई हमसे हमारे निर्णय को लेके। नहीं तो जो हमारे जीवन में एकमात्र खुशी का कारण है उसे हम रूठ कैसे सकते? हम आपके होठों की नहीं आंखों की सुनते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे अपने हृदय के दर्द को क्यों छुपा रही हैं आप? बह जाने दीजिए ना आंसुओं को जो आपके मन का बोझ बढ़ा रही हैं। नहीं ये आंसू नहीं है, ये तो आपका प्रेम है। वे पल जो हम दोनों ने साथ बिताई है की अब क्या होगा ना जाने।
जय महाकाल। जय महाकाल। गुरु गोरखनाथ सदा सहाय। हम दो दिवस के लिए राज्य से बाहर क्या गए? इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। जो अनर्थ होना था वो तो हो चुका है दीदी, अब तो शुभ होने जा रहा है। शुभ? पद्मिनी वहां मेरा देव है। मेरा विक्रमादित्य मृत्यु के मुंह में जा रहा है और तुम्हें इसमें शुभ दिखाई दे रहा है। तुम क्या? आप चिंतित ना हो दीदी, उन्हें कुछ नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ की जय हो। हमारे मार्ग की बात स्वयं ही टलने वाली है। उधर देवताओं का यंत्र चलाते हुए विक्रम का अंत होगा, इधर तुम बनोगे उज्जैनी के महाराज। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जब तक जीवन है हार नहीं मानूंगा, और जब तक विक्रमादित्य का कार्य पूर्ण न हो जाए काल हमें छू भी नहीं सकता। जय महाकाल। महाराज आपको उस गति से शूल चलाना होगा कि दोनों नक्षत्रों के समानांतर आते ही वो उन्हें भेद दे। वो समय बस अब समीप ही है महाराज। समय है महाराज, चला दीजिए शूल भेदक यंत्र को।
महाराज, स्वार्थ है वो विरक्त है, मैं हूं प्रचंड में शक्तिमान, मर जाऊं पर न मिटे मान, मैं हूं प्रचंड में शक्तिमान, मर जाऊं पर न मिटे मान। मारे ना मरे वो भद्रकाल हूं मैं, जो मिटकर फिर स्वयं को गढ़े वो भद्रकाल हूं मैं। बेताल देख, देख तेरा श्राप मिट गया, ये भद्रकाल फिर से जी उठा है। बेताल बेताल तेरे आत्म तत्व को प्राप्त करके मैं अपना अधूरा लक्ष्य पूरा करूंगा। अरे तू चाहे जहां भी छुप जाए, किंतु मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। क्या वैद्यराज जी, महाराज को क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्षमा करें महारानी, हमने सारे प्रयास किए परंतु अब हम महाराज को नहीं बचा सकते। क्या कह रहे महारानी? नक्षत्र भेदक यंत्र को चलाने के लिए महाराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, जिसके कारण उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई और नसें भीतर ही भीतर फट गईं, और उनका प्राण तत्व शरीर को छोड़कर कपाल की ओर जा रहा है। अब महाराज के जीवन को बचा पाना असंभव है महारानी। नहीं हो सकता। काल भी उससे डरे, उससे डरे। जो भक्त हैं महाकाल के, जिस सिंह पुरुष ने रोहिणी और पुष्यक दोनों नक्षत्रों को एक साथ भेद दिया, जिसने सहस्त्र लोगों का दुख दूर कर दिया, ऐसे महापुरुष के लिए शोक करना व्यर्थ है। आपका परिचय? महादेव के भक्तों का कोई परिचय नहीं होता। यूं समझ लो कि महाकाल का एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने आया है। जब औषधियां असफल हो जाती हैं, तो वो भक्ति ही है जो किसी की जान बचा सकती है।
परंतु हम सभी कैसे विश्वास कर लें कि आप महाराज का जीवन बचाने आए हैं अथवा उसका अंत करने? आप क्या चाहते हैं, इन्हें बचाना या फिर इन्हें यदि आप में से कोई भी नहीं चाहता कि ये जीवित रहें तो मैं यहां से चलता हूं। सन्यासी, यदि आप महाराज के जीवन को बचा सकते हैं तो हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। कृपया कृपया महाराज को बचा लीजिए। मुझे एकांत चाहिए। एकांत? संभव को संभव करने वाले विक्रमादित्य, एक तुम ही हो जो मेरे बेताल को मुझ तक पहुंचा सकते हो। वैसे तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण निकलने पर मैं तुम्हें कदापि रोकता नहीं, किंतु अब लगता है कि मुझे तुमको जीवन दान देना पड़ेगा। संकट टल गया, महाराज अब स्वस्थ हो गए हैं। किंतु क्या हुआ था हमें और हम स्वस्थ कैसे हो गए? धन्य है वो देवतुल सन्यासी जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है। महाराज सब आस खो चुके थे, परंतु हमें महाकाल पर पूर्ण विश्वास था। जीवन दान हमें? कौन है वो सन्यासी? कौन है वो सन्यासी? भविष्य वर्तमान भूत से परे हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। मैं जानता हूं विक्रमादित्य, दान में दी हुई कोई भी वस्तु तुम्हें स्वीकार नहीं, किंतु मैंने ये जीवन दान तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं दिया है। अपने लिए किया है, और इस जीवन दान का ऋण तुम्हें चुकाना होगा। महाराज हमारे लिए तो वो सन्यासी भेष पे ईश्वरी थे जिन्होंने आपके प्राण बचाए,
भगवान के अतिरिक्त भला किसमें इतनी शक्ति है जो किसी को जीवन दान दे सके। सेनापति विराट सेन, उन सन्यासी को हमारे सम्मुख लाया जाए, हम स्वयं उन्हें सम्मानित करेंगे। महाराज, वो आपका उपचार करते यहां से चले गए, उपचार के पश्चात वो कहीं नहीं दिखे। एक मृत व्यक्ति के शरीर में कोई प्राण फूंक दे, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा। कारण तो अवश्य है राजा विक्रमादित्य, और वो कारण तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझना होगा जिस तरह मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। उज्जैनी नरेश को हमारा मन तत्व बता कर। महारानी, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझने का प्रयास मत करो विक्रमादित्य, हम समझ गए सन्यासी, यह आपकी ही माया है। पहेलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे कहिए क्या चाहते हैं आप हमसे। राजा विक्रमादित्य, तुम्हें नए जीवन की शुभकामनाएं। मेरे दिए हुए इस जीवन दान को ऋण मत समझना, ये मेरा उपकार है, इसे उपहार समझकर स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कौन है आप सन्यासी, और हम पर अपना ऋण थोप कर कहां जा रहे हैं आप सन्यासी? महाराज, आप किस ऋण की बात कर रहे हैं? महारानी, सुना आपने वो सन्यासी क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे हमारा ये जीवन उनका दिया हुआ उपहार है, कि उन्होंने हमें ये जीवन दान भिक्षा में दिया है। परंतु महाराज, उनका उपकार तो है ना हम पर? नहीं महारानी, हमें किसी का उपकार स्वीकार नहीं। हमें उनका ये ऋण चुकाना ही होगा। चुकाना होगा, अवश्य चुकाना होगा। उत्तम, अति उत्तम। अब तुम बिल्कुल वही सोच रहे हो जो मैं चाहता हूं। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें जीवित किया है, उस कार्य के लिए अब आगे बढ़ने का समय आ गया है राजन। सन्यासी के बारे में जैसा हमने सोचा था, ये जगह बिल्कुल वैसा ही आभास करा रही है। मानवीय जीवन की विडंबना, मनुष्य को जिस कार्य के लिए रोका जाए वो वही कार्य अवश्य करता है। तुम भी वही कर रहे हो। जो सोचा वो कर दिया विक्रम। राजा विक्रमादित्य नाम है हमारा। पहेलियां मत बुझाइए सन्यासी, कहां छुपे हैं आप? विक्रमादित्य, मेरे मना करने के बाद भी तुम मृत्यु के मुख में चले आए। मृत्यु और भय दोनों मित्र हैं राजा विक्रमादित्य के। सन्यासी, बहुत हो गई लुका छिपी, सामने आइए। अरे मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं विक्रम, बस तुम्हारे देखने भर की देर है।
चक्रवर्ती सम्राट। बताओ, मैं तुम्हारे लिए अब और क्या कर सकता हूं? तुम हमारे साथ माया का ही कौन सा खेल खेल रहे हो सन्यासी? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? माया का खेल? मैं तुम्हारे साथ? हाँ। मुझ जैसे महान भद्रकाल को तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति के साथ माया का खेल खेलकर क्या लाभ? आभारी हैं हम तुम्हारे दिए इस जीवन के, आभारी हैं हम। हमारा ये जीवन ऋण है तुम्हारा हम पर। ऋण तो है राजन, ऋण तो है। और राजा विक्रमादित्य को ऋण स्वीकार नहीं। तो बताओ सन्यासी, किस प्रकार हम तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकते हैं? एक काम करो राजन, तुम हमारी हत्या कर दो, फिर हमें पुनः जीवित कर देना, तुम्हारा ऋण चुक जाएगा। यह संभव है सन्यासी? मैं जानता हूं ये संभव नहीं है, असंभव है, किंतु एक दूसरा मार्ग है मेरे पास। कौन सा मार्ग सन्यासी? यहां से कुछ 5000 कोस की दूरी पर एक प्रेत घाटी है जहां बेताल रहता है। जिसकी वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी, यही है। यदि तुम में वो क्षमता है तो तुम इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, तुम अपने ऋण से मुक्त हो जाओगे। हाँ, न सिद्ध हुआ न संभव, मैं हूं वो मकड़जाल, देख लो करके प्रयत्न, मेरा नाम है बेताल।